हाय फ्रेंड्स, अपने चल रहे थे केस स्टडी। अब अपन यहां पर बात करने जा रहे हैं 28 केस स्टडी की। तो इसमें अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि केस स्टडी को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बार पढ़ के फिर उसके रिक्वायर्ड पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा। तो रिक्वायर्ड पॉइंट पढ़ने के बाद आप केस स्टडी में देख लेते हो कि कौन कौन सी चीज एग्जामिनर ने आपसे रिक्वायर्ड की है, आपसे पूछी गई है, तो उनको लेकर आप इसको सॉल्व करोगे। तो मैंने वहां पर बताया था कि आपके लिए बहुत इजी हो जाता है केस स्टडी और इसमें नंबर लाना भी बहुत आसान है क्योंकि इसके आंसर इसकी केस स्टडी के अंदर आपके दिए रहते हैं। तो यदि आपने टेक्स्ट के प्रोविजन को ढंग से पढ़ रखा है तो आराम से उनके आंसर आपको इजी वे में आपके कैलकुलेट हो जाते हैं, आ जाते हैं। मैंने आपको करा दिए थे 27 तक, तो अपन ने केस स्टडी कर ली है। अब उसके आगे अपन बात करने जा रहे हैं 28 की। साथ ही साथ मैंने कहा कि आपको इसके सारे के सारे सोल्ड PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगे VSI की ड्राइव पर। तो आप VSI को ज्वाइन कर लोगे तो उस केस में आपको क्या है कि ड्राइव पे ये सारे के सारे लिंक आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सारे इसके अलावा भी अदर सब्जेक्ट के भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे सारे के सारे सोल्ड PDF के रूप में। तो डियर, मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ 28 केस स्टडी जिसको यहाँ पर अपन बात करें मिस्टर बिलबॉन्ग स्टे इन इंडिया, इंडिविजुअल की बात हो रही है, फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर एंड इन UK फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च एवरी ईयर। ही ऑन ए हाउस इन लंदन, और उसका मकान कहां पर है, लंदन में, विच ही हैज लेट आउट, लंदन में है, तो पाउंड 1000 पर मंथ लेट आउट किस्ते में क्या है 1000 पर मंथ। ही पेड टैक्सेस 100 पाउंड लेवी बाय द लोकल अथॉरिटी लंदन एवरी ईयर, 1 pound इज इक्वल टू 120। मिस्टर बिलबॉन्ग ऑल्सो हैज ए फ्लैट इन विंचेस्टर यूके में है, where he stay when he visit UK every year, it is unoccupied for the rest of the year। और वो सारा कह रहा unoccupied, let out नहीं किया, तो self occupied की definition में चला गया। he paid municipal tax pound 5000 उसने municipal tax पे किया in respect of the said house property for which the 2021 फ्लैट एट मुंबई, बांद्रा और वर्ली, और बांद्रा और वर्ली में फ्लैट है, स्टेटस अनऑक्युपाइड, यानी आपके सेल्फ ऑक्युपाइड के प्रोविजन कंसीडर करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स पेड, और वहां पर म्युनिसिपल टैक्स पे हुआ 10,000 and 20,000, करेक्ट। अदर डिटेल रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी ऑन बाय हिम आर गिवन, जैसे अपन बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में, अपन बात करते हैं बांद्रा मुंबई अनऑक्युपाइड है, सेल्फ ऑक्युपाइड तो एक्चुअल रेंट तो आएगा नहीं, तो ये कह रहा है 60,000 स्टैंडर्ड रेंट। तो पहले तो अपन बात करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच आर इज हायर सर, 70,000 70 एंड 60 स्टैंडर्ड रेंट, तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो गया ER, विच आर इज लोअर 60,000 पर मंथ। इन दोनों में तो विच आर इज हायर, हायर, और इससे ज्यादा नहीं हो सकता। वर्ली का है तो अपन 140 और 130, विच इज लोअर 130, इसका ईआर आ गया 130। विंचेस्टर यूके, इसके अंदर डायरेक्ट दे रखा है 1000 पर मंथ आके दे रखा है, तो अपन 1000 पर मंथ के हिसाब से ले लेंगे 1000 पर मंथ, और ये है पाउंड में। एंड लंदन आप कह रहा है 2000 पर मंथ, और हमने इसे एक्चुअल में लेट आउट कितने में किया गया है, एक्चुअल में लेट आउट 1000 में किया है, तो 1000 इसमें ये एक्चुअल लेट आउट है पर मंथ, विच आर इज हायर, तो इसका डॉलर में आ जाएगा 2000 पर मंथ, क्योंकि केवल ये ही प्रॉपर्टी आपके ये सेल्फ ऑक्युपाइड में गई, ये सेल्फ ऑक्युपाइड में गई, ये सेल्फ ऑक्युपाइड में गई, केवल ये ही प्रॉपर्टी आपके लेट आउट बता रहा है डॉलर सॉरी पाउंड 1000 पर मंथ में, लेकिन उसका फेयर रेंटल वैल्यू 2000 है, तो मैंने कहा 2000 वाली ही वैल्यू को आपको कंसीडर करना रहेगा। तो ये हमारे इस केस में बता रहा है। अब आगे आते हैं,
आई थिंक आपको समझ में आ गया, ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करा रहा है और अच्छा क्वेश्चन है। केवल एक ही प्रॉपर्टी लेट आउट है, कौन सी? लंदन यूके वाली, बाकी की तीनों प्रॉपर्टी क्या है? उसकी सेल्फ ऑक्युपाइड में कंसीडर हो रही है, सेल्फ ऑक्युपाइड में। लेकिन एक अभी आपने देखा न्यू प्रोविजन जिसके अंदर आपके केवल दो प्रॉपर्टी, अप टू टू प्रॉपर्टी कैन बी टेकन अप सेल्फ ऑक्युपाइड, देन रिमेनिंग प्रॉपर्टी टेकन एज ए डिम टू बी लेट आउट। यदि सेल्फ ऑक्युपाइड है तो भी डियर मुझे उसमें डिम्ड लेट आउट कंसिडर करते हुए लेना रहेगा। तो अपन आगे लेते हैं। इन अप्रैल 2020 बिल्लाबॉम फादर मिस्टर हांगकांग, हु इज 61 ईयर, वो कितने साल के हैं? 61 ईयर के हैं, ओल्ड एंड रेजिडेंट इन इंडिया, हैज सोल्ड ए फ्लैट ऑन बाय हिम फॉर लास्ट 5 ईयर टू नेबर, और अपने नेबर को उसने अपना मकान बेच दिया, हु इज 70 ईयर्स ओल्ड फॉर 3 करोड़, कितने बेचा है? 3 करोड़ में बेचा है जी, 3 करोड़, विच रिजल्ट इन द कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 2 करोड़, और उस पर 2 करोड़ का कैपिटल गेन आ गया। ये 2 करोड़ का कैपिटल गेन आ गया, 2 करोड़ का कैपिटल गेन आ रहा है, 3 करोड़ में बेचा, यानी 1 करोड़ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली होगी और 2 करोड़ का कैपिटल गेन आ गया। ही डिसाइड टू इमीडिएटली इन्वेस्ट सेल्स प्रोसीड रिसीव फ्रॉम द फ्लैट इन एनसीडी महिंद्रा टू द ट्यून ऑफ 1.35 करोड़ एंड अर्न ए हायर रेट ऑफ रिटर्न 20 लाख इन द बॉन्ड इशू बाय द एनएचआई। एनएचआई के बॉन्ड का डिडक्शन मिल जाएगा, बिल्कुल सर, एनएचआई का डिडक्शन मिल जाएगा। 15 लाख जीएसईसी एंड रिमेनिंग 30 लाख इन बॉन्ड इशू बाय द आरईसीएल। दो का ही मिलता है 54EC में, एनएचआई का 54EC, NHAI का मिलेगा। NHAI में कितना जमा कराया सर? उसने जमा कराया 20 लाख, उसका मिल जाएगा। और RECL उसमें जमा कराया है उसने 30 लाख, तो टोटल मिलेगा 50 लाख 54EC में। और जो उसने दोबारा इन्वेस्ट कर दिया गया वो आप किसमें देखना होगा। All the investment were made by him in June 2020. In March 2021, he purchased 2 adjudicating apartment, जुड़े हुए, in Pune, 50 lakh each, 50 lakh एक का है, and made the suitable modification to use as a single house, और single house के रूप में उसने जोड़कर बना दिया। He also purchased the flat बड़ौदा 40 lakh, और उसने 40 lakh का एक और बड़ौदा में इन्वेस्ट कर दिया। अब मैंने कहा कि यदि आपका सेक्शन 54 है तो 54 में अब आप दो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ होना चाहिए। तो ये 2 करोड़ ही है, अप टू 2 करोड़ के केस में दो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप दो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 2 करोड़ के केस में अपन बात कर रहे हैं, अप टू 2 करोड़ है, दो प्रॉपर्टी में आप ले सकते हो। तो इसने क्या किया, 2 प्रॉपर्टी लेकर उनको एडजुडिकेट कर दिया, मर्ज कर दिया, तो वो एक ही कंसीडर होगी, 50-50 लाख के 2 प्लेट, तो 1 करोड़ तो ये आ गया। एक पुणे में परचेज किया, बड़ौदा में परचेज किया, एक कहां कर दिया, बड़ौदा में 40 लाख का, ये तो 40 और जोड़ दो उसमें, ये लाख में है, तो 1.4 लाख ये ऐसे आ गया, तो 1.4 लाख इसमें आपके आ जाएगा। तो ये हमारे इस केस में इन्वेस्टमेंट दिखाई दे जाएगा। तो यानी इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 2 प्रॉपर्टी को जोड़कर एक बना दी, तो वो तो एक ही मान जाएगी, और एक और बड़ौदा में परचेज कर लिया फ्लैट 40 लाख का, तो आपके 2 प्रॉपर्टी ही दिखाई दे रही है, तो इसका यूज आपके यहां पर दिखाई दे जाएगा। ये हमारे इस केस में बता रहा है, तो 54EC मिल जाएगा और एक बेनिफिट यहां आ जाएगा। अब बता रहा है फर्दर, ही हैज रिसीव अदर इनकम फ्रॉम द वेरियस सोर्स एज डिटेल अंडर, नेचर ऑफ इनकम एंड अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन मार्च 2021 40,000। तो देखो 40,000 है, तो इस केस के अंदर यहां पर आपके इनकम दिखाई दे रही है। कमीशन इन अप्रैल 2020 20,000 है, 15,000 से ज्यादा है TDS की रिक्वायरमेंट है, 15,000 से एक्सीडेड, TDS कटेगा कमीशन पे एट द रेट ऑफ 5%। ये 40,000 है तो TDS की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो।
ये 240 से कम है तो इस पर भी टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जैसे अपन बात करते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स अलाउड। देखो म्युनिसिपल टैक्स अलाउड होता है केवल लेट आउट प्रॉपर्टी में, सेल्फ ऑक्युपाइड में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल टैक्स अलाउड होता है। तो मेरे पास यहां पर एक तो लेट आउट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी लंदन की, बाकी की प्रॉपर्टी मेरे सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेकिन केवल दो ही प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकता हूं। तो मैं एज पर द टैक्स प्लानिंग पर्पस से जिसका वैल्यूशन ज्यादा आ रहा होगा उसको सेल्फ ऑक्युपाइड मानू और जिसका वैल्यूशन कम आ रहा होगा उसको लेट आउट मानू। तो ऐसे केस के अंदर मैंने यहां पर सॉल्यूशन कर रखा है आपको समझने के लिए, पूरा का पूरा कंसेप्ट यहां पर आ जाएगा। तो देखो यूके के अंदर है एक तो लंदन और विंचेस्टर, तो ये तो लंदन वाला तो लेट आउट है 1000 पर मंथ में, लेकिन मैंने कहा फेयर एंड तक आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा आ रहा है विंचेस्टर का, सेल्फ ऑक्युपाइड है, और जो आपके इंडिया में है बांद्रा और वर्ली, दोनों प्रॉपर्टी आपके लिए क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो अपन पहले इनको सबको लेट आउट मान लें, इसको लेट आउट और इन दोनों को डिम टू बी लेट आउट मानते हुए कैलकुलेशन कर लेते हैं। सेल्फ ऑक्युपाइड में तो होगा क्या, जीएवी जीरो हो जाएगी, और फिर मैंने कहा टैक्स प्लानिंग के पर्पज से उसको आपस में एडजस्ट करके उसका अपन को कैलकुलेशन करना होगा। तो देखो डियर, अपने यहां पर जीएवी क्या आएगी 2000 पर मंथ, पूरे 12 मंथ्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, और यहां पर आपके जो दे रखा है पाउंड की वैल्यू 120 दे रखी है, 120 तो इंडियन करेंसी में हो गया 28,80,000। इस केस में 1000 पर मंथ मैंने जीएवी निकाली थी, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 और 120 पाउंड को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया तो 14,40,000 इस केस में आपकी वैल्यू आ जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं यहां पर आप क्या आ रहा है, 60,000 में हमने लेट आउट किया तो यह क्या 7,20,000 आ गया। इसके बाद यह आ रहा है 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 15,60,000 आपके जीएवी यहां पर आपके दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक आपको यह बात प्रॉपर समझ में आ गई हो क्योंकि जीएवी किस तरह से हमने कंसिडर किया है। अब उसमें से म्युनिसिपल टैक्स मैंने कहा एक बार तो जितना भी पेड किया है उतना लेस कर दो क्योंकि मैंने सारी प्रॉपर्टियों को लेट आउट माना है, लेट आउट इसको और बाकी के डिम लेट आउट। तो म्युनिसिपल टैक्स इसने कहा $100 पे किया 120 के रेट से 12,000, इसमें आ गया 5,000 मल्टीप्लाई 120 6 लाख इसमें आ गया। यहां आपके क्वेश्चन में दे रखा है म्युनिसिपल टैक्स पे कर रखा है 10,000 एंड 20,000। तो यार मेरी एनएवी आ गई 28,68,000, 8,40,000, 7,10,000 और 15,40,000। मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 30% सेक्शन 24 ए में, तो 8,60,400। तो ये लेस करने के मैं बाद मेरी आ गई हाउस प्रॉपर्टी से 20,07,600, और इधर अपन बात करें तो ये मैं लेस कर दूं, तो ये लेस कर दूं 30% तो 5,88,000, इधर लेस कर दो 2,13,000 तो ये आ जाएगा 4,97,000, और इधर लेस कर दो तो ये आ जाएगा मेरा 10,78,000। अब डियर जिसका वैल्यूशन ज्यादा आ रहा हो उसको मैं क्या मान लूं, सेल्फ ऑक्युपाइड मान लूं जिसका वैल्यूशन ज्यादा आ रहा हो। तो देखो ये तो लेट आउट है तो इसका तो सोचना ही नहीं है, इनमें सोचें वैल्यूशन। देखो इसका 588, इसका 497 और उसका है 10,78,000 का, तो दो प्रॉपर्टी मैं चूज कर सकता हूं। तो मैं दो प्रॉपर्टी वो चॉइस में लूं जिसका वैल्यूशन ज्यादा है। देखो इसका वैल्यूशन कम है, इसको मैं मान लूं लेट आउट, डिम्ड लेट आउट इसको मानूंगा। इनका वैल्यूशन ज्यादा है तो इनका वैल्यूशन ज्यादा है तो इनको मैं क्या मान लूं, सेल्फ ऑक्युपाइड। आगे समझ में कैसे कैलकुलेट किया, मैंने कैसे कैलकुलेट किया आगे आपको आपको समझ में। तो मेरे लिए डिम लेट आउट कितनी हो गई, दिस वन एंड दिस वन। तो यह कह रहा है कि म्युनिसिपल टैक्स किसका लूं, तो म्युनिसिपल टैक्स सेलेक्ट करना होगा मुझे, एक तो इसका और एक इसका, जो लेट आउट माना है और डिम टू बी लेट आउट माना है वो ही म्युनिसिपल टैक्स आपके लेस किया जाएगा। तो डियर ये समझ में आपको आ गया होगा। तो मेरा म्युनिसिपल टैक्स आएगा 12,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 22,000 माय आंसर। तो 22,000 मेरा इस केस में आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, और सीधा सिंपल, बहुत सीधा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस टेक्निकल चीज है कि इसको सिस्टमेटिक आपको ड्राफ्ट करना है, लंबा काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ड्राफ्टिंग आपको करनी होगी। अब इसके बाद आगे लेते हैं अपन,
इसने पूछा है व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कौन सी ले, तो मैंने कहा कि जो लंदन वाली प्रॉपर्टी है वो तो लेट आउट ही है, नहीं उसके अलावा ये सेल्फ ऑक्युपाइड है तो उसमें से मैंने कहा सेकंड और फोर्थ को मैंने सेल्फ ऑक्युपाइड माना है, थर्ड को डिम लेट आउट माना है। तो ये मानते हैं मेरी इनकम कितनी हो जाएगी 25 लाख 4600 दिस वन योर आंसर 25 लाख 4600 मेरी इनकम इस केस में यहां पर कंसिडर हो रही है, मेरी इनकम यहां पर इस केस में कंसिडर होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट 28.3। सपोज द हाउस प्रॉपर्टी एट विंसेस्टर इज सोल्ड 1st of January 2020, देन व्हाट वुड बी द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब भैया उसने वो एक प्रॉपर्टी बेच दी, तो एक प्रॉपर्टी बेच दी तो अब उसके पास दो ही प्रॉपर्टी बची, दो को तो सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो के, तो अब उसकी केवल जो लंदन वाली प्रॉपर्टी थी, और लंदन वाली प्रॉपर्टी तो उसने एक्चुअल लेट आउट कर रखी है, लंदन वाली प्रॉपर्टी तो उसने क्या कर रखी है एक्चुअल में लेट आउट कर रखी है, एक्चुअल में लेट आउट कर रखी है, तो वो एक्चुअल इनकम इसमें कंसीडर होके आ जाएगी, एक्चुअल लेट आउट कर रखी है, तो वो ही इनकम इस केस में अपन लेके चलेंगे, लंदन वाली प्रॉपर्टी को इसमें कंसीडर कर लिया जाएगा। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि लंदन वाली लेनी होगी। अब आगे आते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन chargeable to tax for the assessment year 2021 in the hand of the Billa Bond fathers। तो कितना में बेचा, देखो उसने बेचा था 3 करोड़ में, खुद कह रहा है कैपिटल गेन हो रहा है 2 करोड़ का, खुद कह रहा है 2 करोड़ का कैपिटल गेन हो रहा है, तो 2 करोड़ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। उसमें 54EC में NHI और RECL में उसने 30 एंड 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो ये 50 लाख हो जाएगा, 20 प्लस 30 लाख लैक्स में रखा है, तो 0.5 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अब 54 के लिए दो प्रॉपर्टी अब ले सकता है, अप टू 2 करोड़ है, 2 करोड़ तक लॉन्ग टर्म आपके कैपिटल गेन है, तो वो उस केस में आपके दो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है, एक तो किया 50 लाख के दो, 1 करोड़ दो, 1 करोड़, और एक आ गया आपके इस केस में पुणे में बड़ौदा में 40 लाख का परचेज किया, तो 1.4 करोड़ का, तो ये उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया जो कैपिटल गेन हुआ था, तो अब बचा हुआ ही अमाउंट उसे लगाना है, यानी यहां पर बचे हुए अमाउंट पर टैक्स देना है, तो वो बचा कितना 10 लाख, तो 10 लाख सर आपका आंसर ये दिखाई दे रहा है, ये लो 10 लाख कि दो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उनको तो एडजॉर्ड करके एक ही प्रॉपर्टी बना दिया, तो उसे एक माना जाएगा। और मैंने कहा अभी ये फाइनेंस एक्ट जैसे अपन बात करते हैं कि अमेंडेड के साथ आपके दो प्रॉपर्टी तक 54 में इन्वेस्ट कर सकते हो, यदि आपका कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है तो दो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो दो को मिक्स करके एक प्रॉपर्टी बनानी, तो वो एक ही प्रॉपर्टी है, और एक और बड़ौदा में खरीदी उसका भी बेनिफिट अभी ले पाएगा, ये हमारे इस केस में बता रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपकी ये। हाँ जी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स विच वुड हैव बीन डिडक्टेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ इनकम रिसीव बाय मिस्टर बिल्ला बॉन्ग फादर। तो देखो TDS की अपन बात करें, बिल्ला बॉन्ग फादर्स के लिए तो अपन बात करें वहां पर TDS कितना कटेगा, तो 194IA में आपने देखा होगा यदि 50 लाख या उससे ऊपर का सेल्स कंसिडरेशन है, 50 लाख या उससे ऊपर का सेल्स कंसिडरेशन है, तो 1% TDS डिडक्ट किया जाएगा, और ये ट्रांजेक्शन हुआ था अप्रैल में, तो TDS कटेगा 1%, तो 3 करोड़ में सेल करने के लिए बता रहा है, तो 3 करोड़ का 1% अप्रैल में है, तो कंसेशनल रेट 3/4 को यूज नहीं करना है, 3/4 को यूज नहीं करना है, कंसेशनल रेट यूज नहीं करनी है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 50,000 से कम है, ये सीनियर सिटीजन है भैया, सीनियर सिटीजन 50,000 वाला देखना है, इधर मैंने 40 लिख दिया था, उसको आप अपडेट कर लो क्योंकि सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन, तो इसमें TDS आपके 40,000 इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, तो TDS की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं है TDS की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कमीशन यदि 15,000 से ज्यादा है तो उस पर 5% कमीशन आपको डिडक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 1,000, और रेंटल इनकम 240 से कम है, 2 लाख ही है, तो उस पर भी TDS नहीं कटेगा, तो अल्टीमेट TDS हो गया 3 लाख प्लस 1,000, 3 लाख 1,000 आपका TDS इसमें आ जाएगा, 3 लाख 1,000 का अमाउंट यहां पर आपके TDS का दिखाई दे रहा है, 3 लाख 1,000 का अमाउंट इस केस में आपके दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे इस केस में आपके बताता है, तो अच्छी केस स्टडी है, और आपके टेक्निकली इसमें एस्पेक्ट काफी अच्छे
दिए गए हैं, तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको कंसीडर किया गया है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे, 29 केस स्टडी 29 पे आते हैं अपन। अब अपन बात कर रहे हैं, देखो 29 केस स्टडी, ये भी अच्छी केस स्टडी है। मिस्टर भरत एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरर, क्या है, एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है, रन इज प्रोप्राइटरी बिजनेस इन द नेम ऑफ मिस्टर भरत ट्रेडर्स, मिस्टर भरत ट्रेडर्स, ही ऑल्सो एक्सपोर्ट क्लॉथ आउटसाइड इंडिया टू हिज एसोसिएट एंटरप्राइजेस, किसके साथ बेच रहा है, एसोसिएट एंटरप्राइजेस एज वेल एज अनरिलेटेड पार्टी, एज वेल एज अनरिलेटेड पार्टी, द टर्नओवर 2021 इज 400 लाख्स फ्रॉम सच बिजनेस, 400 लाख्स आपके स्पेस में उसका बिजनेस बता रहा है, तो यानी 44 AD नहीं ले सकता, 400 लाख्स आ गया, तो ये आपको बता रहा है। मिस्टर भरत हैज टेकन इन लोन 35 लाख 9% फ्रॉम SBI ऑन 1st of November 2020 फॉर ए टर्म ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द एजुकेशन ऑफ हिज ब्रदर, किसके लिए लिया, अपने ब्रदर के एजुकेशन के लिए। मिस्टर राम एंड मिस्टर राम इज स्टडी इन यूनिवर्सिटी इन लंदन, लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ही रेमिटेड द लोन अमाउंट टू मिस्टर राम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31st March 2021, ही रिपेड द प्रिंसिपल ₹7,50,000 एंड पेड इंटरेस्ट 1,31,250 टुवार्ड द सेड लोन, और उस पर इंटरेस्ट भी पे करा है, तो इंटरेस्ट का उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि वो गार्जियन नहीं है। लेकिन जब आपने देखा लोन का रिपेमेंट कर रहा है तो वह TCS की रिक्वायरमेंट आ जाती है, और इस पर TCS लगेगा 7 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे 0.5% TDS के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। एंटायर फॉरन रेमिटेंस आर सेटल थ्रू द SBI विच इज एन ऑथराइज डीलर, जो कि ऑथराइज डीलर से आपके कर रहा है, जो कि किससे कर रहा है, ऑथराइज डीलर से आपके करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे अपन बात करते हैं अदर इंफॉर्मेशन, ये उसके अलावा इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है। In April 2020, he went to tour of London for the purpose of the learning new technology, leverage his business. The foreign tour package was arranged by the Franklin Tour and Travel New Delhi. The detail of expenditure of the tour are as follow. और उसके tour की detail ये दे रखी है। तो टूर पे TDS यदि 7 लाख से ऊपर है तो मैंने कहा या टूर पे वो बताता है कि आपके 5% TDS डिडक्ट किया जाएगा, 5% TCS है, ऐसा TCS है, TCS की रिक्वायरमेंट आएगी, 5% TCS की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। टिकट फेयर राउंड ट्रिप 450 राउंड ट्रिप में आ रहा है 450, होटल अकोमोडेशन चार्जेस 160 होटल अकोमोडेशन चार्जेस आ गए 160, साइट सीन चार्जेस इंक्लूडिंग द एंट्री टिकट्स 80,000, कैब फेयर एक्सेट्रा, तो टोटल हो गया 690, और 690 का 5% आपको 5% फॉरेन टूर के केस में TCS जमा कराने की रिक्वायरमेंट उन्होंने दी गई है। 15th of April 2020 ही सोल्ड स्क्रैप जेंटलमैन शूटिंग प्ले ए फॉरेन बायर हु रेमिटेड द पेमेंट 80,000, देखो स्क्रैप पे TCS फिर आ जाएगा, स्क्रैप पे TCS 1% आपके आता है। For the same during the thought ABC Forex Bank authorized dealer, आप क्या रहा है, तो scrap पे TCS है 1%, तो वो भी आपको इसमें consider करने के लिए आपके बता रहा है। तो ये TCS वाला question है, यानी TDS और TCS को main TCS का question इसमें आ रहा है। 17th of August 2020 he received 55 lakh, कितना amount बता रहा है, 55 lakh from Messer Shakti Traders a LLP for supplying of the cloth as per the specification. The new material for the same was also supplied by LLP. The invoice of such supply is raised in the following manner. Value of material पे कभी TDS नहीं करता, कभी भी TDS नहीं होता, no TDS. Material पे कभी भी TDS नहीं होता है, लेकिन stretching charges है, तो वो contract का part है 194C, और उस case में 30,000 से ज्यादा या aggregate payment 1 lakh से ज्यादा है TCS की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, तो 194C इस केस में बात कर रहा है। तो इंडिविजुअल केस में 1% और अदर देन इंडिविजुअल HUF है तो 2%,
अगस्त में पेमेंट दिखाई दे रहा है अगस्त 2020 में, तो ये आपका 0.75% एप्लीकेबल होगा. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. और आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है इस क्वेश्चन में अपन बात करते हैं. तो देखो मैं एक बार टीसीएस पे थोड़ा सा फोकस आपको डाल दूं जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो जाए. TCS in case of the collection and authorized dealer, when the amount of remitted for the purpose other than the purchase of the overseas tour, program packages, nil, no tax collect its source, कोई TDS नहीं collect करना. The amount of aggregate of the amount being remitted by the buyer is less than 7 lakh in the financial year, यानी 7 लाख से कम है तो. यदि वो 7 लाख से कम है तो. लेकिन सेकंड, वेयर द अमाउंट ऑफ द रेमिटेड फॉर ए पर्पस ऑफ अदर देन परचेज ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ अमाउंट इन द एक्सेस ऑफ ₹7 लाख रेमिटेड बाय द बायर इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो आपको 5% अमाउंट एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सेस फ्रॉम 7 लाख, 7 लाख के ऊपर 5% का TCS की रिक्वायरमेंट आती है. लेकिन इसके बाद अपन बात करते हैं, वेयर द अमाउंट बीइंग रेमिटेड इज ए लोन ऑब्टेन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर द पर्पज ऑफ परस्यूइंग एनी एजुकेशन. किसके लिए बता रहा है? फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए बता रहा है. अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सेस ₹7 लाख है, 7 लाख के ऊपर बता रहा है रेमिटेड बाय द बायर इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो 0.5% ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सेस फ्रॉम ₹7 लाख, 7 लाख के ऊपर यहां पर बताता है TCS, 7 लाख के यानी एक्सेस फ्रॉम 7 लाख, ये बताता है. अब अपन क्वेश्चंस पे आते हैं, अपने क्वेश्चंस पे आते हैं. वुड मिस्टर भरत इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E इन रेस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन. 80E का डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा. और for higher education of Mr. Ram, also does any liability to tax deduct its source, tax collect its source raised on the remittance to Mr. Ram under the provision of Income Tax Act 1961. देखो TCS की requirement आ जाएगी लेकिन इसको benefit नहीं मिलेगा तो no, Mr. Bharat is not eligible any deduction 80E. Moreover, SBI is required to collect tax its source on the amount of remitted to Mr. Ram 0.5% plus cess. तो ये कितना कर रहा है? On 28 lakhs being the amount in excess of ₹7 लाख, 7 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट आ रहा है, 7 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट आ रहा है उसके ऊपर TCS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी 0.5% की रेट से. इस टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्ट इट सोर्स फॉर पेमेंट मेड बाय द भरत टुवार्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉरेन टूर पैकेज. इफ यस, वाट वुड बी द रेट ऑफ TCS अमाउंट ऑन विच द टैक्स इज टू बी कलेक्टेड. तो देखो मैंने कहा यस, टैक्स टू बी कलेक्टेड एट द सोर्स 5% ऑन ₹6,90,000 बींग द टोटल अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज. टोटल ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज है तो उस केस के अंदर वहां पर टूर प्रोग्राम पे 5% TCS की रिक्वायरमेंट आ जाती है. नाउ व्हाट इज द अमाउंट टैक्स रिक्वायर्ड कलेक्ट इट्स सोर्स ऑन द सेल्स ऑफ स्क्रैप. सेल्स ऑफ स्क्रैप पे मैंने कहा 1% TCS है तो अपन कितने का कर रहे हैं? 80,000 का स्क्रैप सेल कर रहे हैं तो 80,000 का 1% हुआ कितना? 800. साथ ही साथ 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको लगाना होगा तो अपन यहां पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के साथ आ जाएगा 832. ये देखो ये आपके बता रहा है यहां पर सेल्स किया था हमने स्क्रैप को, स्क्रैप सेल्स किया था ना 15th ऑफ अप्रैल 2020 ही सोल्ड स्क्रैप ऑफ द जेंटलमैन सूट PLC ए फॉरेन बायर. जो कि कौन है? फॉरेन बायर है हु रेमिटेड द पेमेंट ऑफ ₹80,000 फॉर द सेम फॉर द ड्यूरिंग द ईयर फॉर द ABC फॉरेक्स बैंक से आया था. तो इस पे स्क्रैप पे TCS आपको रिक्वायरमेंट हो जाएगा 1%. नाउ 4th पे आते हैं, व्हाट इज द रेट एट विच द शक्ति ट्रेडर्स LLP इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194C एंड व्हाट अमाउंट.
देखो सिर्फ वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे ही आपके लगेगा, यानी स्टिचिंग पे ही आपके यहाँ पर देना है, मटेरियल पे अप्लाई नहीं होता। तो ये जाएगा दिस वन 17,20,000 पे 0.75%। 194C के अंदर टीडीएस है आपको डिडक्ट करना रहेगा। तो आई थिंक आपको इस केस में बताता है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन आपके दिखाई दे रहा है, सिंपल ही आपके क्वेश्चन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके 29 भी कंप्लीट हो गया। अब अपन आते हैं लास्ट केस हिस्ट्री 30। लास्ट केस हिस्ट्री 30 पे अपन आते हैं। तो अपन चलते हैं 30 केस हिस्ट्री पे। तो देखो अपन इसमें बात करते हैं, मिस्टर रजत इज ए डायमंड मर्चेंट। क्या है जी, ये डायमंड मर्चेंट है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 ही हैज टर्नओवर 20 करोड़। उसका टर्नओवर कितना रहा है 20 करोड़ का। अ नेट प्रॉफिट ₹60 लाख, नेट प्रॉफिट आ गया 60 लाख। आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑल द परमिसेबल डिडक्शंस ही हैज इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ वेरियस प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज फ्रॉम विच ही रिसीव द डिविडेंड ऑफ ₹12 लाख। और उससे इसको क्या मिल रहा है, रिसीव हो रहा है डिविडेंड 12 लाख। ही हैज टू हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, बोथ ऑफ वर सेल्फ ऑक्यूपाइड। वन ऑफ द प्रॉपर्टी ही हैज टेकन लोन ₹50 लाख। और एक प्रॉपर्टी आपके कितने में आ रही है 50 लाख, ऑन विच इंटरेस्ट पेबल ₹2,50,000। और उसके ऊपर इंटरेस्ट पेबल कितना रहा है 2,50,000। आउट ऑफ विच ही हैज पेड 1,80,000 ड्यूरिंग द ईयर्स। ऑन हिज बर्थडे ही रिसीव ज्वेलरी। अब देखो ज्वेलरी मिल रही है बर्थडे पे मिल रही तो टैक्सेबल होगी। इन द ओकेजन ऑफ मैरिज, इन द ओकेजन ऑफ मैरिज ही एग्जम्प्ट होती है। ही रिसीव ज्वेलरी फ्रॉम हिज फ्रेंड, फेयर मार्केट वैल्यू विच वाज ₹5 लाख। तो अपन को क्या लेनी होती है, ज्वेलरी की फेयर मार्केट वैल्यू ही लेनी होगी 5 लाख। ही हैज ऑल्सो विदड्रॉ कैश, कैश विदड्रॉ कर रहा है भाई 194N, कैश विदड्रॉ कर रहा है 194N पे ध्यान देना होगा। तो ये कह रहा है 1.2 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 इन एग्रीगेट फ्रॉम हिज द करंट अकाउंट मेंटेन विथ एबीसी बैंक से। फर्दर ही आल्सो विड्रॉ 50 लाख फ्रॉम ए कोऑपरेटिव बैंक। देखो बैंक अलग है और बैंक भी अलग अलग, बैंकों को अलग अलग कंसीडर करना है, और कोऑपरेटिव बैंक है तो वो अलग हो गई। तो कोऑपरेटिव बैंक में 50 लाख विड्रॉ कर रहा है, 1 करोड़ से कम है कोई इशू नहीं है, लेकिन यहां पर ये 1 करोड़ से ज्यादा विदड्रॉ कर रहा है तो अप टू 1 करोड़ तो टैक्स नहीं दे, टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन अबव द 1 करोड़ आ गया 20 लाख, और 20 लाख पे 2% टीडीएस आपका जमा होगा 194N। अक्टूबर 2020 ही इज रेगुलरली फाइलिंग हिज रिटर्न ऑफ इनकम, कोई इशू नहीं है। अपन बात कर रहे हैं रेगुलर रिटर्न फाइलिंग की। यदि वो रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहा है तो ही 2% रेट एप्लीकेबल होगी 1 करोड़ के ऊपर। यदि मैंने कहा कि यदि उसने लास्ट 3 इयर्स की रिटर्न नहीं फाइल करी, लास्ट 3 इयर्स की रिटर्न नहीं फाइल की है तो डियर उस केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि वहां पर अप टू 20 लाख तक कैश विड्रॉल करता है तो टीडीएस नहीं है, लेकिन 20 लाख से 1 करोड़ तक है तो 2% टीडीएस है, और अबव 1 करोड़ है तो 5% टीडीएस की रेट एप्लीकेबल हो जाती। तो नीचे उसका ब्रदर दे दिया, हिज ब्रदर मिस्टर राहुल हैज नॉट फाइल हिज रिटर्न इनकम द लास्ट 5 इयर्स। 5 सालों से उसने कोई रिटर्न नहीं फाइल किया। लॉ कहता है 3 सालों से, ये तो 5 सालों से नहीं फाइल कर रहा। तो ये कह रहा है इवन थॉट हिज टोटल इनकम एक्सीडिंग द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जबकि उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा थी, जबकि उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। ही विड्रॉ 50 लाख, और उसने 50 लाख विड्रॉ कर लिए फ्रॉम ए कोऑपरेटिव बैंक इन मार्च 2021 में 50 लाख विड्रॉ किए हैं। कहां से, आपके ही कोऑपरेटिव बैंक से। तो 50 लाख तक, 20 लाख तक तो नहीं लगेगा टीडीएस, लेकिन 20 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे टीडीएस लग जाएगा। किस रेट से, 2%। तो कितना हो गया, 50 लाख माइनस 20 लाख को छोड़ दो, बचा 30 लाख। 30 लाख पे 2% की रेट से टीडीएस 194N एप्लीकेबल हो जाएगा। खुद तो रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसके लिए 1 करोड़ लिमिट। ब्रदर आपके 5 सालों से कोई रिटर्न नहीं फाइल कर रहा, तो लास्ट 3 इयर्स की रिटर्न उसने फाइल नहीं कर रखी है, तो ऐसे केस के अंदर उसके लिए लिमिट 20 लाख ही वर्क करेगी। 20 लाख से ऊपर जो अमाउंट आ रहा है अप टू 1 करोड़, उस पर टीडीएस लगेगा 2%, और अबव 1 करोड़ 5%। ये मैं यहां पर पढ़ चुके हैं डिटेल से। अब आता है ऑल्सो मिस्टर रजत होल्ड 20% वोटिंग पावर
20% वोटिंग पावर है रजत के पास, किसमें, XYZ लिमिटेड, जो कि क्लोजली हेल्ड कंपनी बता रहा है, जो कि क्या है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, एंड एंगेज इन द डायमंड मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम विच ही हैज ऑब्टेन लोन ₹10 लाख, और उसने 10 लाख का लोन ले लिया क्लोज हेल्ड कंपनी से। तो आपको पता है कि यदि अपन क्लोजली हेल्ड कंपनी से कोई लोन लेते हैं, क्लोजली हेल्ड कंपनी से कोई लोन लेते हैं, तो ऐसे केस में वो लोन एंड एडवांसेस मेरा क्या बन जाएगा, डिम्ड डिविडेंड बन जाएगा अप टू द अक्युमुलेटेड प्रॉफिट, अप टू द अक्युमुलेटेड प्रॉफिट तक डिम्ड डिविडेंड बन जाएगा यदि मेरा सब्सटेंशियली इंटरेस्ट है क्लोज हेल्ड कंपनी में। तो यदि मैंने क्लोज हेल्ड कंपनी से कोई भी लोन एंड एडवांसेस दिया है, कहां तक, अप टू द अक्युमुलेटेड प्रॉफिट, तो वो अप टू द अक्युमुलेटेड प्रॉफिट वाला अमाउंट मेरे लिए क्या बन जाएगा, सर, डिम्ड डिविडेंड इस केस में आपके आ जाएगा। द कंपनी हैज फ्री रिजर्व ऑफ ₹8 लाख ऑन एज ऑन 31st March 2020। तो जब लोन लिया तो उस टाइम आपके वो कह रहा है फ्री रिजर्व तो 8 लाख की है, तो फ्री रिजर्व 8 लाख है तो आपका डिम्ड डिविडेंड कितना बनना चाहिए, लोन है 10 लाख का और फ्री रिजर्व है 8 लाख का, तो मेरा डिम्ड डिविडेंड बनेगा सर 8 लाख ही बन पाएगा, क्योंकि अक्युमुलेटेड प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। ये मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको काफी डिटेल से एक्सप्लेन करके समझा रखा है, तो अपन वहां देखेंगे तो वहां से आपको कवर हो जाएगा। अब आगे आते हैं, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन द फॉलोइंग केस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ द लोन ऑफ ₹10 लाख ऑब्टेन बाय मिस्टर रजत। देखो 10 लाख का लोन लिया लेकिन डिम्ड डिविडेंड बनेगा 8 लाख, क्योंकि हमारे पास फ्री रिजर्व कितने हैं 8 लाख, तो 8 लाख वुड बी टैक्सेबल एज ए डिम्ड डिविडेंड इन द हैंड ऑफ मिस्टर रजत। तो ये हमारे इस केस में आपके बता रहा है। चले जी आगे चले, वुड कैश विड्रॉवल बाय मिस्टर रजत ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 अट्रैक्ट द डिडक्शन इट शोज, टैक्स डिडक्ट इट शोज। देखो अब इस केस में अपन बात करें किसके लिए, मिस्टर रजत के लिए, तो मिस्टर रजत आपके रेगुलरली रिटर्न फाइल करा है, मिस्टर रजत रेगुलरली रिटर्न फाइल करा है, तो 1 करोड़ तक तो उस पे TDS की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी 194N की, 1 करोड़ से ऊपर आएगी, क्योंकि रजत आपके क्या कर रहा है, रेगुलरली रिटर्न फाइल कर रहा है, रजत है रेगुलरली रिटर्न फाइल कर रहा है, रेगुलरली रिटर्न फाइल कर रहा है, तो यस इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट 2% ऑन 20 लाख, 1 करोड़ के ऊपर आ रहा है ना, उसका 1.2 करोड़ था तो 1 करोड़ तक तो हटा दो, बचा 20 लाख, उस पे 2%, और कॉपरेटिव बैंक से जो विड्रॉ कर रहा है वो आपके 1 करोड़ से कम है, तो वो आपके वहां पर TDS की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। चले जी 30.2 भी कंप्लीट हो गया, 30.3, वुड कैश विड्रॉवल बाय मिस्टर राहुल, राहुल तो 5 साल से रिटर्न नहीं भर रहा, अट्रैक्ट द डिडक्शन ऑफ टीएस, यस, अब वो लास्ट 3 ईयर से नॉट फाइलिंग ROI, कोई रिटर्न नहीं फाइल कर रहा, तो ऐसे केस में यस टैक्स इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट 2%, किस अमाउंट के ऊपर, 50 लाख का है माइनस 20 लाख, छोड़ दो 30 लाख पे 2%, 1 करोड़ के ऊपर तो जाते ही कितना जाएगा 5% जाएगा, 5% यहां पर ये चीज और ध्यान में रखने के लिए बता रहा है। तो आई थिंक ये भी आपका इजी वे में क्लियर हो गया होगा। चले जाके, यस सर, यस, व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रजत For the previous year 2021, assume that he has not opt the section 115 BAC. अब वो 115 BAC opt नहीं कर रहा, तो उसकी income क्या माने? तो देखो अपने यहाँ पर बात करें कि उसने कहा कि उसका जो ज्वेलरी का बिजनेस है उसमें उसको प्रॉफिट कितना रहा है 60 लाख का। देखो अपने यहाँ पर दे रखा है स्टार्टिंग में, अपन आते हैं 60 लाख का से बताया है, ये रहा 20 करोड़ का, तो उसका क्या था, टर्नओवर था, उसमें नेट प्रॉफिट हो रहा था 60 लाख, तो बिजनेस इनकम कितनी हो गई उसकी, PCBP की इनकम हो गई 60 लाख, यहां से अपन ने उठा ली PCBP में 60 लाख, तो बिजनेस की इनकम आ रही है, ये अपन ने बिजनेस इनकम बात करें 60 लाख, डिविडेंड की इनकम आ रही है उसके 12 लाख की इनकम आ रही है डिविडेंड की,
तो डिविडेंड की इनकम अपने ली, हाउस प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपन यहां पर ले सकते हैं 24B में यहां पर 2 लाख। यहां पर अपन बात करते हैं उसकी डिविडेंड की इनकम, येरी 12 लाख। इसके बाद जो उसके पास प्रॉपर्टी थी उस पर इंटरेस्ट पेबल कर रहा था, तो मैंने कहा ये इंटरेस्ट मैक्सिमम आपको मिल पाएगा अंडर सेक्शन 24B में, मैक्सिमम 2 लाख, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो ये 2 लाख ये ले लिया। गिफ्ट मिल रहा था बर्थडे पे, फ्रेंड से मिल रहा है तो फेयर मार्केट वैल्यू ली है, फेयर मार्केट वैल्यू। बर्थडे भी मिल रहा है बर्थडे पे तो टैक्सेबल है, 56 to 10। और उसके अलावा डिम्ड डिविडेंड अभी अपन ने बात की कि क्लोज हेल्ड कंपनी से लोन एंड एडवांसेस लिया गया टू द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो लोन एंड एडवांसेस पे क्या बन जाएगा, मेरा डिम्ड डिविडेंड बन जाएगा। तो डियर ये बन गया डिम्ड डिविडेंड। तो मेरी टोटल इनकम कितनी दिखाई दे रही है, तो इसने पूछा है आपसे टोटल इनकम, तो टोटल इनकम आ जाएगी 83 लाख। 83 लाख मेरी टोटल इनकम यहां पे आ जाएगी, तो मेरा आंसर हो गया 83 लाख। सी मेरा इसमें आंसर रिप्रेजेंट हो गया, तो सी मेरा इस केस में आंसर आपके रिप्रेजेंट हो गया। तो आई थिंक आपको एक क्वेश्चन यहां पर भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस टैक्स ऑफ मिस्टर रजत फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, अज्यूमिंग दैट ही हैज नॉट ऑप्ट द सेक्शन 115BS, यानी नई स्कीम को नहीं ले रहा। तो देखो इस केस में मैंने यहां पर टोटल इनकम तो आपके सामने देखी, अभी ये पीछे टोटल इनकम अपने देखी है 83 लाख। तो टैक्स कैलकुलेट करना मैंने आपको बताई रखा है कि अप टू 10 लाख टैक्स अमाउंट इज द 1,12,500। तो 83 लाख मैं लिखूं इसमें से 10 लाख हटा दूं, इस पर 30% टैक्स, तो यह आ जाएगा 21,90,000। इसमें ऐड कर दूं 1,12,500, तो डियर टैक्स आ गया मेरा 23,02,500। अब ये अमाउंट टोटल इनकम मेरी 50 लाख से 1 करोड़ है, 50 लाख से 1 करोड़, तो सरचार्ज लगेगा अप टू 50 लाख सरचार्ज नहीं, लेकिन मैंने कहा 50 लाख से 1 करोड़ तो सरचार्ज का रेट हो जाता है सर 10%, तो मैं सरचार्ज भी इस पे एप्लीकेबल करूंगा एट 10%। टू थ्री जीरो टू फाइव जीरो 10% हुआ, 230250 एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और ये इसका 4% मैं ले लू तो ये जगह 9210 नहीं 230250 500, इसका 10% दिस वन प्लस 25, ये मिस्टेक हो गई, इधर आएगा 2532750 और उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन 101310 प्लस कर दिया तो इक्वल हो गया 2634600। तो 26,34,060 रुपीज ये आंसर आपका आ गया। तो आई थिंक आपके जितने भी केस स्टडी थी अपन ने डिटेल से सारे के सारे केस स्टडी को यहाँ पर डिस्कस मैंने आपके साथ कर लिया, सारे के सारे केस स्टडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है, टैक्स वगैरह कैलकुलेशन। और ये केस स्टडी आपके मैंने कहा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने कहा अब आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव उन्होंने दिए, जिसमें से 2 या 3 केस स्टडी आपके क्वेश्चंस में आती है। और डायरेक्टिक्स के अंदर जितनी भी आपके 30 केस स्टडी थी मैंने एक एक आपको डिटेल से आपको करवा दी है, और साथ ही साथ इसका जो ये आपके सॉल्यूशन जो पॉइंट है आपके दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन है, मैंने PDF फॉर्मेट में आपके सारा का सारा सेव करके आपके VSI ड्राइव पर दिया गया है। तो डियर आपको जो भी आपको सॉल्व करना हो और इजी वे में फटाफट कोई पॉइंट देखना हो कि मेरा कौन से पॉइंट में कैसे कैलकुलेशन आई, तो वो आपको PDF फॉर्मेट आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगा। तो डियर आप उस PDF फॉर्म को मिनट को डाउनलोड करके आप लैपटॉप पे या प्रिंट भी देख सकते हो और उसके अंदर उसको सेव कर सकते हो, आपके लिए इजी कैलकुलेशन रह जाएगी।
साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ये तो डायरेक्ट टैक्स का है, इसी तरह से आपके इनडायरेक्ट टैक्स के भी पीडीएफ और वीडियो अपलोडेड हैं, तो वो भी आप उसके साथ इनडायरेक्ट टैक्स के भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने कहा कि आप वीएसआई के चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो आपको और भी सब्जेक्ट के आपको इसी तरह से हेल्प मिल जाएगी एमसीक्यू के केस स्टडी की, और पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आई थिंक आपको यहाँ पर इजी वे में समझ में आ गई होगी जिस केस स्टडी को किस किस तरह से आपको सॉल्व करना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से ये इंपॉर्टेंट रहती है। अब बच्चों आप मन लगा के पढ़ाई करो और अच्छा स्कोर करो। थैंक यू वेरी मच।